तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली, एंड आई होप कि आप सभी अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट कर रहे होंगे। अब चलिए देखते हैं कि कोमल ठकराल ने अपनी दिवाली कैसे सेलिब्रेट की। वैसे तो कोमल ठकराल ने अपना दिवाली लुक शेयर नहीं किया है, पर यहाँ पर उन्होंने एक वीडियो डालकर हम सभी को दिवाली विश की है। वैसे तो कोमल ने अपना दिवाली लुक शेयर नहीं किया है, फिर भी मैं आपको उनका दिवाली लुक बताने वाली हूँ, क्योंकि कोमल ठकराल के हस्बैंड ने इंस्टाग्राम स्टोरी डालकर उन दोनों का लुक शेयर किया है हमारे साथ, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं आपको कुछ फोटोज़ दिखा देती हूँ, एंड यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि कोमल ने अपनी दिवाली अपने ससुराल में ही सेलिब्रेट की है। वैसे तो कोमल के देवर नमन सचदेवा के व्लॉग में हमें दिवाली सेलिब्रेशन का व्लॉग भी देखने को मिल सकता है, पर हम यहाँ पर कन्फर्म नहीं कह सकते कि वहाँ पर कोमल हमें देखने को मिलेगी या नहीं, क्योंकि अक्सर कोमल उनके देवर के व्लॉग में नहीं दिखाई देती है। सेकेंडली, अगर कोमल ठकराल उनकी मम्मी के घर जाती है दिवाली सेलिब्रेट करने, तो वहाँ का व्लॉग भी हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पारस ने व्लॉगिंग करना छोड़ दिया है। काफ़ी दिनों से पारस के चैनल पर व्लॉग नहीं आए हैं, एंड लास्ट टाइम जब पारस इंस्टाग्राम पर लाइव आए थे तो उन्होंने वहाँ पर कहा था कि वो व्लॉगिंग जल्दी ही छोड़ने वाले हैं। वैसे तो पारस ने कहा है कि व्लॉग नहीं आएंगे, पर अगर उन्होंने ओकेजनली कोई व्लॉग बनाए होंगे या फिर दिवाली का व्लॉग बनाया होगा तो उनके चैनल पर हमें देखने को मिल ही जाएगा। तो बस गाइस, अभी की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही नई वीडियो के साथ। बाय।